बिहार के सीएम नीतीश कुमार का यह अंदाज है खास। एक कार्यक्रम में शामिल हुए नीतीश कुमार ने अधिकारियों को देखिए कैसे काम करने के लिए हड़का दिया। हम लोगों ने तय किया था कि प्रत्येक सब डिवीजन में बनेगा और 101 सब डिवीजन में, बाकी में निर्माण कार्य जारी है और 67 बुनियाद केंद्र का आपने निर्माण किया और सबकी तस्वीर देख रहे थे। लेकिन हम एक ही बात कहेंगे समाज कल्याण विभाग के लोगों से कि अब बिल्डिंग तो बहुत अच्छा बना दिया और जाएंगे सब वृद्धजन जाएंगे, दिव्यांग जाएंगे, इस तरह के लोग जाएंगे, लेकिन एक ही चीज कीजिए, बिल्डिंग बना दी है, बहुत अच्छा बन गया है, लेकिन उसके मेंटेनेंस का उपाय रखिएगा, साफ सफाई का। वो हर एक बिल्डिंग के लिए अगर मेंटेनेंस का उपाय नहीं रखिएगा तो खराब स्थिति में चला जाएगा। इसलिए अब जैसे बिल्डिंग बनी है उसी तरह से डिपार्टमेंट के द्वारा, अगर आपको ये भवन निर्माण विभाग ने किसने बनाया है, भवन निर्माण विभाग निगम ने बनाया ना, भवन निर्माण विभाग के अधीन न है चंचल जी, प्रधान सचिव है ना भवन निर्माण विभाग के, तो खाली बिल्डिंग बना के हैंड ओवर मत करिए। और मुख्य सचिव भी यहीं बैठे हुए, सब लोग बैठे हुए, उप मुख्यमंत्री जी वित्त मंत्रालय भी देखते हैं, योजना विकास वाले भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं। आप अब जो भी बिल्डिंग बनाइए उसके साथ साथ, अब पहले तो हमने कर दिया था, बिल्डिंग बन जाता था, आप फर्निशिंग होता नहीं था, साल भर डेढ़ साल ऐसे ही बिल्डिंग पड़ा रहता था, तो हमने बना दिया कि साथ साथ फर्निशिंग होगी, स्कूल बनना उसका फर्नीचर, कोई दफ्तर बनना उसका फर्नीचर, साथ साथ हो जाना चाहिए फर्निशिंग, तो अब वो साथ होने लगा। लेकिन अब एक चीज और कर दी कि जैसे बिल्डिंग बनती है उसका मेंटेनेंस के लिए भी आप एजेंसी को चुन लीजिए, वो हमेशा उसका साफ सफाई ठीक ढंग से होता रहे और वो साफ सुथरा लगे, जाकर के देख लीजिए। सीएम नीतीश के ये तेवर बताने के लिए काफी है कि अब वो कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। तभी तो एक ही मंच से उन्होंने कई और विभाग के अधिकारियों को भी खूब हड़काया। दूसरे पर्यावरण के बारे में लोगों को बताया कि देखिए जो हमारी पृथ्वी है आपकी जरूरत को पूरा करने में सक्षम, लेकिन आपके लालच को पूरा करने में सक्षम है, नीड को पूरा करेगा, ग्रीड को पूरा नहीं करेगा। लेकिन आजकल देख रहे हैं जिनके पास धन संपत्ति हो जाती है वो जरूरत से ज्यादा ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो पर्यावरण पर बुरा असर डालता है। आप बताइए आदमी को कितनी गाड़ी लोग खरीदते हैं, कैसी कैसी गाड़ियां खरीदते हैं, आप एक एक चीज को आप देखिए। अब जैसे अब हम लोगों ने तो घर घर बिजली पहुंचा दी, मतलब लंडन की जरूरत खत्म हो गई पूरे बिहार में, घर बिजली पहुंचा दी। लेकिन आप बताइए कि हम लोग घर घर बिजली पहुंचाए हैं, लेकिन इसका मतलब है कि उस बिजली का आप दुरुपयोग तो मत करिए। सीएम नीतीश के इस तेवर को खूब पसंद किया जाता है, ऐसे में देखना होगा कि सीएम के हड़काने का असर क्या होता है।